लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इंदौर रेलवे स्टेशन पर पिटलाइन सहित 3 नई सुविधाओं का शुभारंभ किया है, जिसके बाद अब गाड़ियों को लेकर मेंटेनेंस में आसानी होगी। इंदौर रेलवे स्टेशन का तेजी से विस्तार हो रहा है, साथ ही यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसी कड़ी में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने रेलवे स्टेशन पर 24 कोच की एक और नई पिटलाइन का शुभारंभ किया, जिससे गाड़ियों के मेंटेनेंस में सहायता होगी। साथ ही ताई ने आम और बुजुर्ग यात्रियों के लिए सुविधाओं को देखते हुए 2 स्केलेटर भी शुरुआत किए हैं। संजू क्या करेगा उसमें फंसा हुआ हूँ मैं। इस दौरान ताई ने कहा कि रेलवे के मामले में इंदौर सतत प्रगतिरत है। यहाँ हवाई, रेल और सड़क तीनों चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ट्रेन को बढ़ाने के साथ साथ उनका मेंटेनेंस भी जरूरी है, जिसके लिए पिटलाइन आवश्यक है। करीब 8 करोड़ के विकास कार्यों के लिए ताई ने रेलवे अधिकारियों का धन्यवाद किया। साथ ही ये भी कहा कि इंदौर में अब पार्किंग कल्चर डेवलप हो रहा है, जिससे समय से पहले काम हो रहे हैं। कि ये 8 करोड़ के करीब पिटलाइन है, फिर 2 करोड़ का करीब एस्केलेटर है, वो एक तरफ से अभी बना है, दूसरी तरफ से अभी पूरा होना है। मगर ये भी एक विशेष, और ये जो शेड करीब 1.5 करोड़ की, 11 करोड़ का पूरा साधारणतया काम हो रहा है, 11 करोड़ से ज़्यादा। लेकिन एक विशेषता है, मैं वास्तव में रेलवे के अधिकारी, रेलवे के इंजीनियर और जो भी काम करने वाले, धन्यवाद देना चाहूँगी कि अब एक वर्क कल्चर डेवलप हो रहा है। मैं इसकी तरफ आपका ध्यान इंगित करूँगी कि सुविधा बढ़ाने के साथ साथ कहीं ना कहीं वर्क कल्चर डेवलप हो रहा है। अभी ये तीनों चीज़ें समय से पूर्व कंप्लीट हो गई है और लोकार्पित हो रही है। नहीं तो पहले ये होता था कि समय के बाद में चलता रहता था काम, फिर कॉस्ट बढ़ती थी। तो कई बार मैंने इसका उल्लेख भी किया था अपनी बातों में, भाषणों में। वहीं ताई ने रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को ध्यान रखने की हिदायत दी और कहा कि अगर जरूरत पड़े तो छोटा मोटा फाइन लगा देना। रेलवे में भी अब रेलवे में एक ही दिक्कत होती है, बाहर से भी यात्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मगर मैंने कहा इसको भी आदत में डालना पड़ेगा, और इसलिए पहले तो यात्रियों को समझाइश कि दूसरा नहीं उठाए, तुमने कागज फेंका तो तुरंत कोई बताने वाला कि भाई इसको उठाओ, डस्टबिन में डालो। डस्टबिन की सुविधा है करना रेलवे का काम, नहीं तो रेलवे कर्मचारी तो सफाई करेंगे ही। और ये जो सुविधाएं बढ़ रही है, पहले यहाँ पर लेडीज रूम के लिए ठीक तरीके से जगह नहीं, वो करवा दी, और आपने कहा वहाँ छोटी छोटी सुविधाएं करते जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से अब धीरे धीरे इंदौर रेलवे स्टेशन भी अच्छा हो रहा है, काम हो रहे हैं। वहीं DRM RM सुनकर ने इंदौर रेलवे को देश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए महू स्टेशन को डेवलप करने की बात कही और बताया कि महू में 7 नई लाइन और 4 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। वहां पर हम लोग उसी कार्यक्रम में 7 लाइनें बना रहे हैं, 4 प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, प्रॉपर फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर, अच्छी बड़ी सी बिल्डिंग, ये सब बना करके हम तैयार कर रहे हैं। वहाँ पर गाड़ियों के मेंटेनेंस का हमें मेन मुद्दा यह है, गाड़ियों को हमें मेंटेन करना है। गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए वहाँ पर 2 पिट हमने ऑलरेडी बना दी हैं, 4 हमारे पास पार्किंग लाइन ऑलरेडी हैं, 3री पिट का काम भी हम चालू कर रहे हैं, कोचिंग डिपो। क्योंकि क्या होता है कि गाड़ियाँ, जैसे आपने कुछ सिक हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में, तो गाड़ी को हमें ठीक करना पड़ेगा, तो वहाँ पर कोचिंग की मेंटेनेंस की जो हमने सेट भी बना दिया है, तो कोचिंग का जो मेंटेनेंस सेट है वो भी वहाँ रेडी है और ऑलरेडी हमने उस पर कार्रवाई चालू कर दी है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सारे जगह, जो ऐसा नहीं कह सकते कि क्रिएट कर दे रहे हैं,
वहाँ पर लोगों को आदत भी डालना पड़ेगी कि उनको ये ज्ञान भी हो जाए, उनको ट्रेनिंग भी हो जाए कि ब्रॉडगेज की जो लाइनें हैं, लगाड़ियाँ हैं, उनका मेंटेनेंस भी उस हिसाब से कर सके, तो वो भी कार्रवाई चालू हो गई है। कुल मिलाकर पिट लाइन के शुभारंभ से न सिर्फ गाड़ियों के मेंटेनेंस में आसानी होगी बल्कि दूसरी नई ट्रेनों को भी शुरू किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। सुविधाएं और क्या सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा, मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के कदमों से हम और बेहतर सार्थक इंदौर बनाने में सफल हो पाएंगे।